नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनए खबर में। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि तबलीगी जमात से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निजामुद्दीन एरिया में तबलीगी जमात के लोगों के इकट्ठे होने के मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक हल्फनामा दायर किया है, इसमें कहा गया है कि इस मामले में डे टू डे बेसिस पर जांच चल रही है और कोशिश की जा रही है कि समय पर रिपोर्ट पेश कर दी जाए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश व विदेश से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। केंद्र सरकार का हल्फनामा जनहित याचिका में जवाब मांगे जाने के बाद आया है। इस मामले में सीबीआई जांच की याचिका लगाने वाली सुप्रिया पंडित ने तबलीगी जमात के मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस की लापरवाही की बात कही थी। निजामुद्दीन इलाके के मरकज में तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हुए थे, इनमें कई देशों से आए लोग शामिल थे। जमात के लोग यहां पर कोरोना संक्रमित हुए थे और यहां से कई अन्य राज्यों में गए थे। संदिग्ध लेनदेन के मामले में जांच शुरू हुई है। सीबीआई ने पिछले हफ्ते तबलीगी जमात और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू की है। इसमें आरोप लगाया गया था कि जमात संदिग्ध लेनदेन में शामिल है। इसी बीच पुलिस ने विदेशी जमातियों के खिलाफ कई चार्जशीट दायर की है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के ऊपर भी आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कई रिपोर्ट्स दर्ज की गई हैं। ऐसी ही कई अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए डीएनए खबर के साथ।